हेलो, मैं हूं अब्दुल और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि एरर डिटेक्शन एंड एरर रिकवरी किस तरह से किया जाता है कंपाइलर डिजाइन में। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट काफी वीडियोस से मेरी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, सो इसके लिए आई एम रियली रियली अपोलोजाइजिंग फॉर दिस। सो लेट अस सी अवर टॉपिक टुडेज। सो आज हमारे टॉपिक है एरर्स। सो एरर्स क्या है? इससे पहले की वीडियोस में मैंने पार्सिंग टेबल जनरेशन में आपको बताया था कि एरर्स हमारे टेबल की एम्प्टी एंट्रीज होती है, जो खाली एंट्रीज होती है वहां हमारी एरर्स जनरेट होती है। सो हम उसको डिटेक्ट किस तरह करेंगे और रिकवर किस तरह करेंगे वो देखते हैं। सो लेट अस सी टाइप्स ऑफ एरर्स। हमारे पास दो टाइप के एरर्स हैं, कंपाइल टाइम एरर्स और रन टाइम एरर्स। यहाँ पे दो एरर्स है। तो कंपाइल टाइम एरर्स क्या है? कंपाइल टाइम एरर्स दैट मीन्स जब भी हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तब जो एरर्स आइडेंटिफाई होते हैं उसको हम बोलेंगे कंपाइल टाइम एरर्स। वेयरएज रन टाइम एरर्स दैट मींस हमारा प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होता है तब जो एरर्स आइडेंटिफाई होंगे उसको हम बोलेंगे रन टाइम एरर्स। बेसिकली कंपाइल टाइम एरर्स के तीन टाइप्स है, लेक्सिकल फेज एंड सिंथेटिक फेज एंड सिमेंटिक फेज। आपने सही सुना, सिंथेटिक है। सो प्लीज लिसन इट केयरफुली, इट इज नॉट सिंथेटिक, इट इज सिंथेटिक फेज। सो अब हम देखेंगे कि तीनों एरर्स को किस तरह से तीनों टाइप्स के एरर किस तरह से एरर डिटेक्ट करते हैं। और चलिए देखते हैं लेक्सिकल फेज। अब हम देखेंगे कंपाइल टाइम के एरर का फर्स्ट फेज यानी कि लेक्सिकल फेज में कौन से एरर्स डिटेक्ट किया जाते हैं। सो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे बेसिक एरर्स डिटेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास स्टेटमेंट है स्विच ओपी और यहाँ पे कोडिंग है, तो लेक्सिकल फेज में देखा जाएगा कि स्विच का स्पेलिंग राइट है या नहीं। अगर यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है तो यहाँ पे एरर डिटेक्ट किया जाएगा और इस आइडेंटिफायर को इनवैलिड काउंट किया जाएगा। सो ये था एक फर्स्ट बेसिक टाइप। नेक्स्ट टाइप के एरर ये होंगे कि सपोज मेरे पास एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ हेलो इंडिया। अब आप यहाँ देख सकते हो कि सेमी कॉलम के बाद डॉलर है, तो लेक्सिकल फेज में यहाँ पे देखा जाएगा सेमी कॉलम के बाद डॉलर है, दैट मींस इसको इनवैलिड आइडेंटिफायर काउंट किया जाएगा और यहाँ पे एरर डिटेक्ट होगी। सो ये थे बेसिक सिंपल एरर्स जो लेक्सिकल फेज में आइडेंटिफाई किए जाते हैं और इसको हम मैन्युअली रिकवर कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे सिंथेटिक फेज। अब हम देखेंगे सिंथेटिक फेज में किस तरह से एरर डिटेक्ट किए जाते हैं। सो बेसिकली सिंथेटिक फेज में क्या है? सिंथेटिक फेज में हम सिंटेक्स के एरर्स को सॉल्व करेंगे। सिंटेक्स के एरर्स को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, SLR1 पार्सिंग टेबल। सो SLR1 पार्सिंग टेबल में इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ये एम्प्टी एंट्रीज आप देख रहे हो वो और कुछ नहीं, वो एरर एंट्रीज है। अब उसको डिटेक्ट किस तरह करेंगे? सिंटैक्टिक फेज में आपको दो अप्रोचेस आएगी, कोई भी अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। सो फर्स्ट अप्रोच हम देखेंगे। फर्स्ट अप्रोच क्या है कि आपको किसी भी स्टेट को आइडेंटिफाई करना है। सो लेट मी आइडेंटिफाई स्टेट नंबर टू। सो मैं स्टेट नंबर टू को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे एरर्स फाइंड करनी है, एरर एंट्रीज यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्लैंक स्पेस है, तो उसको मैं डिनोट करूंगा E1 से। सो यहाँ पे इस टेबल में स्टेट नंबर टू पे E1 एंट्री है। सो स्टेटमेंट आएगा एरर ऑन लाइन नंबर 3 एंड ऑपरेंड एक्सपेक्टेड। सो आपका एरर डिस्प्ले होगा लाइक दिस, एरर ऑन लाइन 3 एक्सपेक्टेड डॉलर, बिकॉज यहाँ पे आप डॉलर को फॉलो कर रहे हो। सो यहाँ पे एरर आएगी, एरर ऑन लाइन 3 एक्सपेक्टेड डॉलर। सो ये था फर्स्ट अप्रोच विच वाज वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट अप्रोच हम देखेंगे। नेक्स्ट अप्रोच में क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जितनी भी एंट्रीज यहाँ पे ब्लैंक है उसको ई काउंटर से इनपुट कर देना है, दैट इज E1 E2 E2 E3 सॉरी हियर E3 E4 E5 E6
NE7। सो मैंने यहाँ पे सारी एंट्रीज फिलअप कर दी है, तो इस एंट्रीज की डिटेल्स हमें एक अलग टेबल में फिलअप करनी है, जो कि टेबल इस तरह का होगा, एरर नंबर एंड मैसेज। सो E1 पे आप देख सकते हो व्हाट इज मिसिंग हियर, डॉलर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मिसिंग ऑपरेंड। सो हियर वी विल राइट मिसिंग ऑपरेंड। नेक्स्ट वन इज E2, सेम ए भी यहाँ पे ऑपरेंड है, तो E2 इज मिसिंग ऑपरेंड। एंड थर्ड इज E3। सो यहाँ पे E3 क्या है, प्लस दैट इज ऑपरेटर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मिसिंग ऑपरेटर। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस आपको यहाँ पे एरर स्टेटमेंट्स देने हैं और अलग अलग एरर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सो हम सेकेंड अप्रोच से सारे एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वॉज सिंथेटिक फेज। अब हम देखते हैं सिमेंटिक फेज क्या है। अब हम देखेंगे सिमेंटिक फेज में एरर्स किस तरह से डिटेक्ट की जाती है और उसको किस तरह से रिकवर किया जाता है। तो बेसिकली सिमेंटिक फेज में वो एरर्स होते हैं जो हमारे प्रोग्रामिंग कोड के स्टेटमेंट्स में होते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, इंटीजर ए ऑफ 10 एंड बी एंड ए इक्वल्स टू बी। अब आप यहां देख सकते हो कि मैंने एक एरे और नॉर्मल वेरिएबल को इक्वलाइज किया हुआ है, दैट मींस दिस इज एन एरर, और ये एरर सिमेंटिक फेज में आएगी, लाइक इट इज नोन एज सिमेंटिक एरर। सो ये था बेसिक एंड सिंपल एग्जांपल। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। इफ के इक्वल्स टू 1 रिटर्न 1 एंड प्रिंट एफ परसेंटेज टी एंड के। सो यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने रिटर्न स्टेटमेंट के बाद प्रिंट एफ का स्टेटमेंट लिखा है, दैट मींस ये एक सिमेंटिक एरर है। क्यों सिमेंटिक एरर? बिकॉज हम जानते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हमारा डायरेक्ट मेन फंक्शन कॉल हो जाता है, दैट मींस ये इनवैलिड स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। सो इसको भी हम सिमेंटिक एरर में काउंट करेंगे। इस वीडियो में आपने देखा एरर डिटेक्शन एंड एरर रिकवरी किस तरह से किया जाता है। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स या किसी भी तरह के क्वेश्चंस है इस वीडियो रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट्स कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बेल अकेडमी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।